मेरा राज मेरा देश में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और खबर यूपी से, जहां बहुत जल्द आप देखेंगे कि कैसे योगी सरकार यूपी के भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई करती है। जो खबरें सामने आ रही उसके मुताबिक यूपी में हड़कंप मच गया है। पता चला है कि योगी सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की गोपनीय लिस्ट तैयार करवा ली है और जिन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो सकती है। भ्रष्ट अफसरों पर चलेगा बुलडोजर। योगी के पास खुफिया रिपोर्ट। यूपी में योगी सरकार इस वक्त जबरदस्त एक्शन में है। खुद सीएम योगी सड़क पर उतर चुके हैं, एक एक एक्शन पर खुद नजर रख रहे हैं। माफियाओं की अवैध संपत्तियों की लिस्ट हर दिन तैयार हो रही है। ऐसा कोई दिन नहीं है जब यूपी में बाहुबलियों, माफियाओं और हिस्ट्री शीटरों की अवैध संपत्तियों को कुर किया तबाह न किया जा रहा हो। लेकिन इतने जबरदस्त एक्शन के बावजूद बाबा रुकने के मूड में जरा भी नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अब खबर आ रही है कि सीएम योगी ने भ्रष्ट अफसरों की लिस्ट तैयार करवा ली है, जिसके ऊपर बेहद सख्त कार्रवाई होने जा रही है। गुड गवर्नेंस को लेकर सीएम योगी ने शासन तहसील और थानों पर भी नजर रखी हुई है। IGRS और 1076 पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण को लेकर एक गोपनीय रिपोर्ट सीएम योगी के पास भेजी जा रही है, जिसके आधार पर 10 अच्छे और 10 जनरल परफॉर्मेंस वाले अधिकारियों की रैंकिंग तैयार की जा रही है। सूत्रों का ये भी कहना है कि खराब परफॉर्मेंस वाले अधिकारियों पर जल्द कार्रवाई हो सकती है। योगी सरकार ने जिस तरह से चुन चुन कर माफियाओं और बाहुबलियों पर शिकंजा कसा है, ठीक उसी तरह से अब योगी सरकार सरकारी सिस्टम के अंदर मौजूद भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों का सफाया करने जा रही है। भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ बेहद गोपनीय तरीके से रिपोर्ट तैयार करवाई गई है। यूपी के सभी 75 जिलों में एक एक तहसील और थाने की रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। जो भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी और जो अफसर और कर्मचारी शानदार काम कर रहे हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा। जिलों में तैनात पुलिस कमिश्नर, SSP, IG, DIG, नगर आयुक्त के ऊपर भी बड़े बारीक से नजर रखे हुए हैं। उच्च पदस्थ सूत्रों का यह भी कहना है कि जल्दी खराब परफॉर्मेंस वाले अधिकारियों पर सीएम योगी की गाज भी गिर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या समाजवादी पार्टी के वफादार और समर्थक अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव के करीबी होने का दावा करने वाले गणेश दत्त मिश्रा ने खुलासा किया कि अखिलेश यादव मुसीबत में पड़े समाजवादी पार्टी के नेता और समर्थकों का जरा भी साथ नहीं दे रहे हैं। माफिया मुख्तार के करीबी का खुलासा, धोखेबाज हैं अखिलेश यादव। मुस्लिम टोपी लगाकर मुस्लिम सियासत करने में माहिर अखिलेश यादव से क्या मुस्लिम नेता और समर्थक नाराज हैं? क्या मुस्लिम वोट बैंक को समाजवादी पार्टी की बबौती मानने वाले अखिलेश यादव के खिलाफ मुस्लिम बाहुबलियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है? पिछले कई महीनों से देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के करीबी माने जाने वाले माफिया अतीक अहमद पर कार्रवाई के दौरान अखिलेश यादव ने कोई बयान नहीं दिया। जब यूपी के बरेली जिले में भोजीपुरा में समाजवादी पार्टी के नेता शहजील इस्लाम के पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चला, तब भी अखिलेश यादव ने एक भी बयान नहीं दिया। यहां तक कि लगभग 2 साल तक जेल में रहने वाले आजम खान को लेकर भी अखिलेश यादव गोलमोल बयान देते रहे, कभी ना कोई प्रदर्शन किया और ना कोई सख्त बयान। अब अखिलेश यादव से जुड़े एक करीबी ने खुलासा किया कि मुसीबत के वक्त में अखिलेश किसी का भी साथ नहीं देते। अखिलेश यादव का ये करीबी माफिया मुख्तार अंसारी का खास माना जा रहा है। हम आपको बताते हैं ये पूरा मामला क्या है। 2 दिन पहले बाहुबली मुख्तार अंसारी के करीबियों और उनके पैतृक आवास पर ईडी ने छापेमारी की थी। ये छापेमारी 13 से 14 घंटे तक चली। इन करीबियों में एक नाम गणेश दत्त मिश्रा का है। गणेश मिश्रा ने इन छापेमारी को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ईडी को छापेमारी में कुछ नहीं मिला। इस कार्रवाई में ईडी डालीबाग इलाके में मेरे द्वारा खरीदे गए प्रॉपर्टी के पेपर ले गई, जिसे कुछ सालों के बाद बेच दिया गया। इसके अलावा उन्हें यहाँ कुछ नहीं मिला।
गणेश दत्त ने दावा किया कि मुख्तार अंसारी से उनका कोई संबंध नहीं है और कहा कि यदि मैं मुख्तार का करीबी होता, अब तक अफजाल अंसारी ने 500 से अधिक बयान दे चुके हैं, लेकिन किसी भी बयान में उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया। मेरा संबंध समाजवादी पार्टी से नहीं बल्कि सपा मुखिया अखिलेश यादव से है, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हमारे आदमी पर कार्रवाई क्यों हो रही है। मेरा संबंध सपा से है, सपा के पार्टी से नहीं बल्कि सपा सुप्रीमो से, अखिलेश जी से मेरा संबंध है। वो भी कभी बयान दिए हैं आज तक कि क्यों हमारे आदमी पर कार्रवाई हो रही है। गणेश दत्त मिश्रा मुख्तार अंसारी के करीबियों में माने जाते हैं। उनका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है। मुख्तार का करीबी होने की वजह से अब तक गाजीपुर और मऊ में उनकी करीब 100 करोड़ की संपत्ति को कुर्किया ध्वस्त किया जा चुका है। गणेश मिश्रा ने आरोप लगाया कि ये कार्रवाई दिल्ली से एक सांसद की तरफ से करवाई जा रही है जो 2024 का चुनाव गाजीपुर से लड़ने वाले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे और मेरे व्यवसाय को कमजोर करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन वो इस बात से बेहद दुखी हैं और गुस्से में हैं कि अखिलेश यादव का करीबी होने के बावजूद आज तक अखिलेश ने उनका ना तो साथ दिया और ना ही उनके पक्ष में कोई एक बयान दिया। गणेश दत्त मिश्रा ठीक उसी तरह के आरोप अखिलेश पर लगा रहे हैं जैसे कि बाकी मुस्लिम नेता लगाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में सरकार बदलने के साथ साथ अपराधियों के दिमाग के लोग भी गहलोत सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। मतलब राजस्थान में संत समाज और वाल्मीकि समाज पर हो रहे अत्याचार का मामला गहलोत सरकार के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है। राजस्थान में दलित छात्र की मौत, उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन पुरजोर। कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल चहुओर। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राजस्थान के जालौर में दलित छात्र की पिटाई से हुई मौत की आग की तपिश यूपी तक पहुंच चुकी है। यूपी के गाजियाबाद में घटना के विरोध में वाल्मीकि समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा। अशोक गहलोत। इस दौरान लोगों ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के विरोध में नारेबाजी भी की। अशोक गहलोत होश में आओ, होश में आओ, अशोक गहलोत होश में आओ, होश में आओ। लोगों ने अशोक गहलोत हाय हाय के नारे लगाए, लेकिन ये विरोध महज गाजियाबाद तक ही नहीं सीमित है। वाल्मीकि समाज के लोग गाजियाबाद समेत 55 जिलों में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन पत्र सौंप कर अपना विरोध जताया। गाजियाबाद के जनपद के माध्यम से, प्रदेश के माध्यम से ये मांग करना चाहते हैं कि जो सरकार दलितों को न्याय नहीं दे सकती, जो दलित बच्चों को न्याय नहीं दे सकती, जो सम्मान और सुरक्षा नहीं दे सकती, उसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो उधर यूपी के जालौन में बीएसपी कार्यकर्ताओं ने जालौर घटना को लेकर जमकर बवाल काटा। बीएसपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और दलित छात्र को पीटने वाले शिक्षक को फांसी देने की मांग की। साथ ही मृतक परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की। हमारा हृदय द्रवित है और हम गहलोत सरकार को, राजस्थान सरकार को दोषी ठहराते हुए अभी तक कोई निर्णय न लेने के लिए दोषी जिम्मेदार देते हैं। इसका हमें रिजल्ट मिलना चाहिए और बहुत जल्दी सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं आगरा में बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर ने जालौर घटना को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। चाहर ने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष को हाथरस जाने की चिंता रहती है, लेकिन राजस्थान के जालौर में एक दलित छात्र की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है,
और प्रियंका गांधी को अपने मुख्यमंत्री और राजस्थान सरकार से बात करने की फुर्सत तक नहीं। दरअसल जालौर घटना के बाद से ही हर दिन यूपी में कहीं न कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। एक दिन पहले ही फतेहपुर में भी सामाजिक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, शहर के सदर अस्पताल चौराहे पर कैंडल मार्च निकाला और आरोपी टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बता दें कि राजस्थान के जालौर में स्कूल में पानी पीने को लेकर टीचर ने एक दलित छात्र की पिटाई कर दी थी, जिसके बाद छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसको लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और यूपी में विरोध की ये आवाज कुछ ज्यादा ही मुखर हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। झारखंड के गढ़वा में हत्या के आरोपी को छोड़ना पुलिस को भारी पड़ गया। पुलिस के इस विरोध फैसले के विरोध में आम लोग उग्र हो गए और सड़कों पर जमकर बवाल किया, पत्थरबाजी की और घटना में करीब 6 पुलिस वाले घायल हो गए। बिहार में क्राइम कंट्रोल करने में नीतीश की पुलिस फिसड्डी साबित हो रही है, तो वहीं बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में हत्या के आरोपी पर पुलिस जब नरमी बरतती है तो आम जनता सड़क पर उग्र हो जाती है। ताजा मामला झारखंड के गढ़वा में मेराल थाना इलाके के आसनदाग गांव का है, जहां एक वृद्ध के संदिग्ध हथियारों को थाने से छोड़ देने को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने शनिवार को मेराल थाने पर जमकर बवाल काटा। आक्रोशित लोगों ने मेराल थाना भवन पर ही जमकर पथराव कर दिया। इस घटना में पुलिस कर्मियों समेत करीब 1 दर्जन लोग जख्मी हो गए। इस दौरान पुलिस ने भी पथराव कर रहे ग्रामीणों पर हल्का बल प्रयोग किया, साथ ही पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पे पुलिस थाना पे बगैर सूचना के इकट्ठा होके, जो कि गैर कानूनी ढंग से कोई सूचना थी, अनुमंडल कार्यालय में नक्सलियों को जानकारी दी गई थी, यहाँ पे अचानक जमा हो गए और थाना पे पथराव उन्होंने शुरू किया। इस घटना की सूचना मेराल और आसपास के गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। मेराल थाने के समीप बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। आक्रोशित लोगों ने मेराल थाने का घेराव किया और नेशनल हाईवे 75 को जाम कर दिया। पुलिस ने भी अपने स्तर पर मोर्चा संभाल लिया था। आक्रोशित लोग मेराल थाना पुलिस पर आसनदाग गांव के नाथन चौधरी के हथियारों को मिली भगत कर छोड़ने के आरोप लगा रहे हैं। और इस वक्त बड़ी खबर बड़गाम से, जहां पर पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लश्कर के 2 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, साहिल वानी और अल्ताफ फारूक गिरफ्तार हुए हैं। और गोपालपुरा में कश्मीरी हिंदुओं को निशाना बनाया था, कश्मीरी हिंदुओं पर 15 अगस्त को ग्रेनेड से हमला किया था और अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है। और एक और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर, जहां पर बांदीपोरा से एक आतंकी गिरफ्तार किया गया है। आतंकी इम्तियाज बेग को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके पास से AK-47 समेत कई और हथियार बरामद किए गए हैं। ये देखिए बड़ी कामयाबी हमारे सुरक्षा बलों को। मेरा राज्य मेरा देश में आज के लिए बस इतना ही। छोटे से ब्रेक का वक्त होगा, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।